यमुनानगर में भारतीय किसान संघ ने दिल्ली में होने वाली 19 दिसंबर को किसानों की दिल्ली में गर्जना रैली को लेकर मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता करते हुए किसान संघ के प्रदेश महामंत्री रामवीर सिंह ने बताया कि आज किसान की लागत बढ़ने के कारण किसान घाटे की खेती कर रहा है। भारतीय किसान संघ पीएम मोदी को उनकी वो बात याद दिलाने के लिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। उन्होंने कहा था कि 19 दिसंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ एक गर्जना रैली करने जा रहा है जिसमें पूरे देश से लाखों किसान इकट्ठा होकर भारत सरकार को नींद से जगाएंगे। उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और वो प्रदेश में आई है तब से किसानों का बुरा हाल है। इस देश में किसानों के सुनने वाला कोई नहीं है। देश के लिए अनुगत्ता है तो भारतीय किसान संघ की मांग है कि जितने भी कृषि यंत्र हैं, चाहे वो ट्रैक्टर है, हम अपना यंत्र मानते हैं उसको, ट्रैक्टर है, हैरो है, टीलर है, रोटोवेटर है, कई प्रकार के वो यंत्र है, उस पर पूर्ण रूप से GST माफ की जाए। एक अभी नया कानून इन्होंने निकाल लिया, अभी 15 साल से जो अधिक के डीजल के वाहन हैं उनको कंडम माना जाएगा, वो सड़कों पे नहीं चलेंगे। डीजल के 10 साल के हैं, पेट्रोल के 10 साल के हैं जी, डीजल के, हाँ डीजल के 10 साल के और पेट्रोल के 15 साल। तो ये तो वाहन तो नहीं है जी हमारा, ये तो हमारा ट्रैक्टर, तो हमारा यंत्र है, कृषि यंत्र है, खेतों में हम काम करते हैं। और एक किसान का ट्रैक्टर पूरे साल में 500 या 600 घंटे चलता है जो अच्छा किसान है, आप एवरेज निकालो, 500 घंटे से ऊपर ट्रैक्टर नहीं चलता। और एक किसान 40 साल तक अपना ट्रैक्टर संभाल के रख सकता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, 40 साल तक वो अपने ट्रैक्टर को संभाल के रख सकता है, खेतों में काम कर सकता है उससे। तो भारतीय किसान संघ की मांग है भाई इसकी जो RC की वैल्यू है इसको 40 साल तक किया जाए, 40 साल तक किसान का ट्रैक्टर मान्य होना चाहिए, इस पर किसी ऐसी तरह की पाबंदी ना लगे कि ये रोड पे नहीं चला सकता इसको। दूसरे, आज किसानों के सामने एक बहुत भारी समस्या है जैसे जल भराव की, बहुत से हरियाणा के एरिया ऐसे हैं कि जल भराव की समस्या बड़ी भयानक है, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं, मुआवजे की घोषणा करते हैं लेकिन देता कोई नहीं।